सिंगल रहता है, बट ये मिट्टी है ना उससे वजह से ये। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी फिर से अगेन चाय बना रहे हैं हम बना रहे हैं, एंड उसके बाद बिस्कुट वगैरह खाएंगे। उसके छत पर में ना आज थोड़ा वो जो गेट वगैरह है ना, खिड़की वगैरह, उस सब में पेंट का काम हो रहा है, तो वो सीरीज पेपर से हम लोग घिस रहे थे जंग लगल। अभी छत पर पे एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने सुबह सुबह क्या काम किया। सुबह सुबह उठ के 6 बजे ये सबको घसा हमने मतलब सबने, एंड फिर इधर गेट वगैरह भी जितना जंग वगैरह था सबको अच्छा से एकदम घसा, एंड इधर साइड तो पेंट भी हो गया प्राइमर वगैरह लग के ग्रे कलर का, एंड इधर साइड ना इधर साइड नहीं घसा बिकॉज इधर साइड ना क्या बोलते हैं उसको सनबोर्ड ना क्या दिया है, नहीं क्या बोलते उसको उसको शायद बोलते सन मैका ना क्या दिया है, तो इसमें उतना नहीं हुआ, बट इसमें घसना पड़ा इसमें क्योंकि नहीं दिया गया यहाँ तक दिया है। तो ये सब हम लोगों ने काम किया, एंड आज पेंट भी हो सकता है, एंड शायद आज खिड़की भी लग सकता है स्लाइडर वाला, तो भी देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी मतलब जो हम अभी नहा के भी आ गए हैं, एंड जो खिड़की का काम था ना वो नापी वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड शायद हो सके तो अगले वीक से लग ही जाएगा, एंड कहाँ कहाँ क्या क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो छत चलते हैं। अभी सबसे पहले बात, यहाँ पे जो ये वाला खिड़की है बालकनी साइड वाला, इसमें मैंने चॉइस किया है मतलब हम लोग ने कि स्लाइडर तो रहेगा ही, बट इसके साथ ना 3 खाप रहेगा, बिकॉज 1 खाप 2 में स्लाइडर रहेगा, 1 में मच्छरदानी वाला रहेगा क्योंकि मच्छर वगैरह घुस जाता ना इसीलिए। एंड इधर वाला में भी वही इधर वाला में ओनली स्लाइडर रहेगा, वो मच्छरदानी नहीं रहेगा, एंड इधर वाला में स्लाइडर एंड मच्छरदानी। उसमें तो ग्रिल है, इसमें ग्रिल है ये नहीं क्योंकि रूम है ना यार इसीलिए। एंड इसमें जो है इसमें भी वही चीज सिस्टम लगेगा स्लाइडर और मच्छरदानी का। एंड इधर कुछ चढ़ के देख रहे थे, यहाँ पे एक चल बीट मार के मतलब बनेगा अच्छा से वो उस, और यहाँ पे दरवाजा रहेगा सनबोर्ड का आपका, एंड ऊपर में कुछ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह रहेगा उस टाइप का। एंड ये वाला इधर तो सब हम लोग का हो गया था, एंड फिर ये वाला जो रूम का है इसमें भी वही सीन रहेगा स्लाइडर और फिर मच्छरदानी, एंड गेट वगैरह, गेट में तो खाली ओनली खिड़की में ही उसमें वो और कुछ नहीं। एंड कबूतर चढ़ गया, रही देखो कबूतर चढ़ गया वहाँ पे, तो इस रूम में थोड़ा कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया ऑरेंज वगैरह, तो भी नीचे चलते हैं क्या होता है देखते हैं। वे गाइस आज के व्लॉग में आप लोगों को समीर और मोहित नहीं दिख रहा हो, बिकॉज उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है क्योंकि समीर और मोहित ने मुझे चैलेंज दिया है कि तुम हम लोग के बिना व्लॉगिंग करो एक दिन के लिए, तो मैं वो चैलेंज आज पूरा करूँगा, देखते कि कैसा व्लॉगिंग मेरा ये बनता है अपने से। ये मैं किसी का दूसरा का कंटेंट नहीं ले रहा, मतलब कि हम उन लोग को नहीं शामिल कर रहे इस ब्लॉग में, अकेले बना रहे हैं ताकि देखते हैं हम मतलब वही लोग चैलेंज किए कि तुम हम लोग के बिना ब्लॉगिंग करके दिखाओ, तो भी वही कर ही रहे हैं हम। लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग फीलिंग हो रहा है क्योंकि उन लोग रहते तो भाई मज़ा आता है यार थोड़ा सा, मतलब हमको भी थोड़ा मोटिवेट मतलब मज़ा आता है कि भाई ब्लॉगिंग करने में थोड़ा मज़ा आएगा, उन लोग थोड़ा मतलब मज़ा आता है यार थोड़ा सा, समझ रहे होगा आपको आप लोग मज़ा आता है इसी मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है, मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है अकेले ब्लॉगिंग करके, बस ठीक है गाइस जैसा चल रहा है चल रहा है, कुछ तो मन नहीं लग रहा है इसीलिए चलो थोड़ा सा कार में बैठते हैं। तो अभी कार में हैं हम, तो अभी हम ना मतलब ये कार थोड़ा दूसरे जगह पार्क किए ना, तो मिट्टी है समझे, तो मिट्टी है ना तो चक्खन मतलब ये कार में स्टीयरिंग तो पावर स्टीयरिंग है ना, तो ऐसे स्टार्ट करते था पावर स्टीयरिंग बनता है, नहीं तो ऐसे ही सिंगल रहता, बट ये मिट्टी है ना उससे वजह से ये पावर स्टीयरिंग हो गया। रुको मैं दिखाता हूँ, देखो मैं उसका एक ये थी में ना एक हल्का सा दम लगाया मैंने, जिस तरह नॉर्मली मैं करता हूँ उस टाइप दम लगाया, देखो पूरा एकदम मुड़ जा रहा है तुरंत, क्योंकि मिट्टी पे है ना इसीलिए तुरंत हो जा रहा है, नहीं तो नहीं होता ऐसे, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइट लगता है वहाँ पे जब खड़ा रहता है तो नहीं होता, मिट्टी में इसीलिए हो गया। एंड बाय द वे अभी गाना भी है, तो अभी छोड़ो इसे मैं पूरा नहीं गानी है और कुछ नहीं। एंड मैं आपको बता दूँ तो मेरा जो पैर है ना यार पूरा क्लच साइड है ना पूरा अट जाता है, जैसे कि मैं अभी क्लच दबा के देखता हूँ, क्लच दबाता हूँ ना पूरा एकदम अट जाता है, देखो पूरा एकदम अट जाता है, बट क्या करूँ गाइस अभी तो एज नहीं होता गाड़ी उड़ी चलाने का, तो छोड़ो उसको, तो इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे सही दिख रहा होगा शायद, ये देखो पूरा एकदम स्टीयरिंग ऐसे करके दिख रहा होगा, पूरा एकदम मस्त एकदम ऐसे करके पूरा एकदम घूम ही जा रहा है स्टीयरिंग, कुछ फॉल्ट नहीं कुछ वगैरह वगैरह कुछ नहीं, तो ये चीज़ बढ़िया था। अरे तो वगैरह कुछ टाइम पास करने का मन भी नहीं कर रहा हमको, क्या करें यार, अभी टेम्परेचर काफ़ी सही है, तो एसी है ना जो बाहर वाला से विंड आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवा दे रहा है,
गाड़ी ऑन भी नहीं है फिर भी दे रहा है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। एंड काफ़ी सही है, अंदर में थोड़ा मतलब ठंडा होने लगा है थोड़ा मोड़ा, तो स्पीड बढ़ाते थोड़ा, ज़्यादा स्पीड में थोड़ा आवाज़ करता है ना यार। एंड इधर साइड एक यहाँ पे ये शायद इनर साइड पानी है रे थोड़े इसको। बाय द वे मेरा अभी कुछ मन ही नहीं कर रहा है कुछ, मतलब अभी उन लोग दोनों नहीं है ना सो मेरा रूम है इसलिए कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है रे। तो अभी चलो अभी दूसरे घर चलते हैं, अभी थोड़ा हमको ड्रेस वगैरह में आयरन भी देना है हमको। चलो अभी घर चलते हैं, चलो अभी घर चलते हैं। बोट का सीजन चल रहा है तो अभी हम लोग गली में इतना है ना गाड़ी अभी स्टार्ट ही हुआ यार, नहीं तो अभी कम से कम 10-12 दिन तक नहीं ऐसे ही चलेगा, मतलब बोट वाला गाड़ी आएगा ऐसे ही आएगा। देखो कितना लाउड साउंड बज रहा है। हमको पता है कि आपको उतना मजा आ ही नहीं रहा होगा, कोई चीज में ही मजा नहीं, बट मैं क्या करूँगा, जो चैलेंज है उसको तो पूरा करना ही होगा ना यार। गाइस अभी मतलब मेरा जो कल तो स्कूल है ना यार, तो स्कूल ड्रेस को जो यार आयरन करना है, तो सबसे पहले तो ये जो बेडशीट है इसको पहले यहाँ बिछा लेते हैं ऐसे ही करके, 1 2 3। तो बेडशीट जो है बिछ चुका है, तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं इस कपड़ा को एंड यहाँ पे रख देते हैं। एंड प्लस ये आयरन जो है सिस्का का इसको लगा लेते हैं। देखो ये जो आयरन है ना फुल्ली ऑटोमेटिक है यार, क्योंकि ये देखो जैसे कि मान लो जैसे कि ये ऐसे करके है ना, तो ये मतलब कुछ एक मिनट तक ऐसे करके रहेगी फिर अपने बंद हो जाएगी। और जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं रख दिया ऐसे करके दीवार में सटा के, तो ये मैक्सिमली 2 से 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड लगी एंड ये बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक चीज़ इसका हमको अच्छा लगता है इसका आयरन का। सबसे पहले तो एक बाहर में आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम है उसके बाद आयरन देंगे। बाहर गए आइसक्रीम वाला देखते हैं चल गया उतना देर, तो फिर उसके बाद गए उसके बाद देखे कि ये नहीं है आइसक्रीम तो छोड़ दिए। तो होपफुली ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है, आयरन वगैरह दे चुके हैं एंड इसको लेके जाकर वहाँ रख दिया। बाय द वे अगर जरा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना, वीडियो को लाइक करके जाना, चले पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। अरे हमको पता है कि इस वाला ब्लॉग आपको उतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी जैसा बना मैंने अपने दम पे बनाया, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चले पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।